इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूपी के मेरठ में, जहाँ पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपनी रैली को संबोधित किया। यहाँ रैली में जो सबसे ज्यादा हमें खास बात देखने को मिली वो युवाओं की मिली। युवाओं की हिस्सेदारी अपने आप में बहुत कुछ कहती है, और हमारे साथ में कुछ युवा भी मौजूद हैं जो तरह तरह से बीएसपी को समर्थन कर रहे हैं। उनके हाथ में हाथी जो चुनाव चिन्ह है बीएसपी का, उसकी एक मूर्ति है, और देख कर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने जोश दमखम के साथ में आज वो यहाँ पर मौजूद हुए हैं। और हम इनसे बात करेंगे आज की रैली के बारे में, किस तरीके से वो आने वाले समय में बीएसपी को सपोर्ट करेंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ, आपका नाम? मेरा नाम आशु सिद्धांत जी। आपने बीएसपी को, लग रहा है कि हाँ बीएसपी को फुल बहुत बेहतरीन तरीके से समर्थन कर रहे हैं। हाँ, पहले हमारा परिवार पूरा पहले से समर्थन करता है भाजपा को, और इस वजह से हम भी, हमारे में भी नया जोश है, नहीं वो है। हम आगे भी अपनी बहन जी को देखना चाहेंगे कि किस तरह वो अपना काम करते हैं, और आगे भी ऐसे अच्छे अच्छे काम करे हैं। जो पहले 5 साल रह चुके उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे काम करे हैं, आगे भी ऐसे करे, बस इतना ही कहना चाहूँगा। कितनी संभावना लग रही है आने वाले चुनावों में? आने वाले समय में बहुत संभावना है हमें, क्योंकि आने वाले समय में बहन जी को कोई टक्कर नहीं दे सकता, आना देने पाएगा। इसलिए युवाओं की कितनी हिस्सेदारी है? युवाओं की बहुत हिस्सेदारी है, और काफी युवा जुटने में लगे हुए हैं और जोड़ने में भी लगे हुए हैं। इस वजह से युवा आपके बहुत तगड़े हुए हैं। सर, मेरा नाम अरुण एलएमपी है, मैं लालामोहनपुर का रहने वाला हूँ, मेरठ से। अच्छा सर, ये बताइए कि आज की जो रैली हमने देखी, हमने देखा युवाओं में बहुत ज्यादा जोश दमखम है, ठीक है, तो ये बरकरार रहेगा क्या आने वाले लोकसभा चुनावों तक? बरकरार रहेगा क्या? पक्का सर, ये ऐसे ही बरकरार रहेगा। आपने देखा भी होगा पूरी रैली में 70% युवाओं था, तो इस हिसाब को देख के लगता है कि 2019 में आपका बहन जी पक्का है। अच्छा, लेकिन पिछले 2 चुनावों में, लोकसभा और विधानसभा चुनावों में, बीएसपी की करारी हार हुई, उसकी वजह क्या रही? तब कहाँ युवा आबादी कहाँ थी उस वक्त? देखिए, युवा तो तब भी साथ था, अब भी साथ है। यदि किसी के साथ में छलिया कपट करा जाएगा तो वो तो आदमी फिर नीचे ही जाएगा ना। अब जब ईवीएम में ही गड़बड़ होगी तो कोई भी सरकार आ जाए वो तो बननी है। तो ये कहीं यही कारण रहा बहन जी को, जो पीछे इतना लॉस में रही है। अच्छा, इस बार जो चुनाव होंगे तो वो किस तरीके से कराना चाहेंगे या किस तरीके से होंगे? हमारा तो मत यही होगा कि बैलेट पेपर से हो तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि आपसे पहले जितने भी ईवीएम से जो पहले हुए हुए हैं चुनाव जो है वो सब बैलेट पेपर से हो तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि आपने देखा होगा अभी चुनाव है दिल्ली में, वहाँ पे बीजेपी का जो मतलब दिल्ली होली में चुनाव है वो सारे उससे हुए हैं बैलेट पेपर से। वहाँ पे बीजेपी की जो पार्टी है एबीवीपी वो ख़त्म हो चुकी है। तो यही कारण है, अगर जो बैलेट पेपर से होगा तो जाहिर सी बात है बहन जी पक्का आएंगी, 101% आएंगी। तो अगर ईवीएम से होगा तो? ईवीएम से होगा तो वो तो देखो 50-50 है, युवा फिर भी साथ होगा। युवा ना तो बहन जी से टूटा है ना टूटेगा। अच्छा, तो आप बिल्कुल क्लियर आर पार में क्या कहेंगे कि ईवीएम से ही कराना है या बैलेट पेपर से होगा? बैलेट पेपर से ही करा दो एक बार, ईवीएम से बिल्कुल नहीं करा, बैलेट पेपर से करा दो, और फिर पता लग जाएगा योगी में और मोदी में कितना दम है। पक्का आप कुछ कहना चाहेंगे? हम कहना चाहते हैं कि ये जो ईवीएम की मशीन के द्वारा मोदी जी बन जाते हैं प्रधानमंत्री और योगी भी बने हैं, अगर बैलेट पेपर से होती है तो इनका पत्ता साफ हो जाएगा। एक भी सीट क्या, जहां तक अभी तक कभी इनकी चिड़िया नहीं उड़ी, वहां पे हवाई जहाज उड़ रहा है वो क्या कारण है? इनका तो कोई नाम निशान नहीं जरा सा भी। यहाँ पर देख लो, तुम्हें खुद ही अंदाजा हो रहा है, आप सभी को देखते हो, जनता का युवा कितनी गर्मी है, इतना पसीना बहा रहे हुए, कहना चाहते हैं कि हम पसीना नहीं, मायावती बहन जी के लिए हम अपना खून बहाने के लिए तैयार हैं। युवा हम नहीं, एक एक बच्चा जो घर आ भी नहीं पाया वो भी अपने दिल से तैयार है। अच्छा, बीएसपी की इस तरह से इस बार जो इलेक्शन आ रहे हैं 2019 का जो टारगेट है, उसमें आप देख रहे हैं कुछ अलग तरीके से तैयारी हो रही है क्या? तैयारी वो सोच रहे हैं मोदी जी की, तो ऊपर से रैली मना के लाते हैं कि अब वो ये चाहते हैं कि अब भी मशीन से ही ईवीएम से ही, लेकिन जो अभी तक हमारा सबका संघर्ष है और हम यही चाहते हैं कि पैडल से वोट हो, मतलब कि जिससे कि साफ पता चले कि क्या सच है। ईवीएम से तो उन्होंने अपना हिसाब बना रखा है कि जैसे भी चलता है, बाकी एक वोट डालो दो वोट डालो कुछ आधे घंटे के लिए सही जाएगी, उसके बाद वही खुलना है। हमने पहले देखा हुआ है कई बार कि 8 वोट डाल के चेक करा गया है, लेकिन दो डाली सबके लेकिन मिल रही है बीएसपी की 8 वोट ही, ऐसा क्या मतलब है सब? चलिए चलिए, धन्यवाद। तो आपने देखा कि इस बार युवाओं का कहना है कि काफ़ी दमखम से हम उन्हें बीएसपी को इलेक्शन लड़ाएंगे और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे, और ईवीएम से चुनाव कराने की बात को पूरी तरह से नकार दिया है।
युवाओं का कहना है कि बैलेट पेपर सिलेक्शन होगा तभी वोटिंग की जाएगी, ठीक है, और वो मांग कर रहे हैं कि ईवीएम बैलेट पेपर से ही चुनाव हो। कैमरामैन उमेश के साथ मैं सुशील कुमार, नेशनल इंडिया न्यूज़।